तो सोया हम बात करें टैक्सरेल के स्टॉक के बारे में। टैक्सरेल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको अप्रैल से यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड में देखने मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा है और जो स्टॉक है वो लगातार यहाँ पर अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.72% की यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से हम स्टॉक में बात करें तो यहाँ से अब अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से अब और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 110 का जो लेवल है ये स्टॉक वैसे नेक्स्ट सपोर्ट काम करेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 101 और अगर स्टॉक यहाँ पर 101 के लेवल में ब्रेक करता है देन हमको यहाँ से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी तो हमारे पास जो स्टॉक में ट्रेंड है वो हायर हैवल ट्रेंड है। अगर स्टॉक यहाँ पर अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लोअर ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 94 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2 के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट टाइप सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में अगेन यहाँ से तेजी आती है तो यहाँ से अब तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 120 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 135 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 150 और उसके ऊपर तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।